हाय फ्रेंड्स, मैं पंपी गिनगरने असम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी है। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा ट्राई कलर रियो का प्लांट है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ इसी प्लांट के केयर के और इसको किस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं वही मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारा सा इंडोर और आउटडोर में ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी पत्तों की बनावट देखिए बहुत ही प्यारी है। पत्तों की बनावट के कारण ही इसको ट्राई कलर रियो प्लांट कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए पर्पल वाइट और ग्रीन शेड में है, तो इससे पत्तों के कारण ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स लाइट की बात करें तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में आप लोग इसको मत रखिएगा, सनलाइट इसको पसंद नहीं है। जहां सुबह की आधा घंटे की धूप पर मिलती हो उस प्लेस में आप लोग इसको रखिएगा तो इसके प्लांट पत्तों की जो कलर है वो बहुत ही अच्छी तरह से उभर आएगी। इंडोर में आप लोग इसको जहां छन की धूप आती हो उस जगह में आप लोग इसको रख सकते हैं। मिट्टी की बात कहें तो फ्रेंड्स इसको वेल ड्रेन मिट्टी बहुत पसंद है, तो मिट्टी बनाते समय एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा मिट्टी और थोड़ी सी उसमें नीम खली मिलाकर आप लोग इसको लगा सकते हैं। वाटरिंग की बात कहें तो फ्रेंड्स इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब इसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तब भी आप लोग इसमें पानी ऐड कीजिएगा। फ्रेंड्स खाद की बात कहें तो इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मैं दूसरे पौधों में जो लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, जो कि नीम खली और बनाना पील्स की लिक्विड फर्टिलाइज़र होती है, वो मैं जब दूसरे प्लांट को देती हूँ तभी मैं इसको भी देती हूँ फ्रेंड्स। तो इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही ईजीली ग्रो होने वाला प्लांट है फ्रेंड्स। देखिए इसके कितनी सारी छोटी छोटी बेबी प्लांट्स आई हुई हैं। प्रोपोगेशन की बात कहें तो फ्रेंड्स इसको आप स्टेम कटिंग से या फिर जो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह की जहां से थोड़ी बहुत रूट्स निकली हो उस तरह की आप इसकी एक ब्रांच ले और जनरल गार्डन सॉइल में आप इसको लगा ले तो ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। अगर कोई ब्रांच में रूट्स नहीं हो तो भी ये बहुत ही इजीली लग जाती है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इजी टू ग्रोइंग प्लांट है फ्रेंड्स। इसकी कलर देखिए बहुत ही प्यारी है फ्रेंड्स। डायरेक्ट सनलाइट में आप लोग इसको मत रखिएगा। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से क्या होता है, इसके पत्ते बर्न होके इसकी जो लुक है वो ख़राब हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे इसके बारे में जितनी जानकारी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। ओके फ्रेंड्स, बाय।